यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उपेंद्र जी मिलना चाह रहे थे गृहमंत्री जी से, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। यह तो समय के हाथ में है, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि आज बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय गृह मंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। महागठबंधन को हराने के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज उपेंद्र कुशवाहा देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। माननीय उपेंद्र जी ने इच्छा जाहिर की थी माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का और माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें समय दिया। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उपेंद्र जी मिलना चाह रहे थे गृह मंत्री जी से, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई और इससे ज़्यादा इसका कोई अभी मतलब लगाना उचित नहीं है। लेकिन क्या ये माना जाए सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से एनडीए में आ चुके हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? यह तो समय के हाथ में है, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि आज बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय गृह मंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। महागठबंधन को हराने के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं? ये महागठबंधन नाम का कोई चीज बिहार में नहीं है, यह केवल उन सब भ्रष्टाचारियों का एकत्रीकरण है जिन पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि अगर सत्ता हाथ में आ गई तो हम जेल जाने से बच जाएंगे, हमारे भ्रष्टाचार छुप जाएंगे। और एक व्यक्ति जो रोज़ सुबह सुबह उठ के दिवा स्वप्न देख रहा है कि उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वह बैठे हुए हैं, लेकिन उनके स्वप्न भी स्वप्न रह जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को सबक भी जनता सिखाएगी। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट लोकसभा में आप लोग दे रहे हैं। केवल और केवल आज जो बात हुई वो केवल शिष्टाचार मुलाकात थी। माननीय उपेंद्र जी ने इच्छा जाहिर किया था, जाहिर बात है कि वो हमारे कभी अंग भी रहे हुए हैं जी। और उन्होंने जब जाहिर किया कि माननीय गृह मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, गृह मंत्री जी उन्होंने समय भी दिया और एक अच्छे वातावरण में उन दोनों की बातचीत हुई। तो आपने देखा संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा कि मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही और एक तरीके से शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एक समय में एनडीए के साथी थे, वो एक साथ काम किए हैं, इसलिए आज की जो मुलाकात रही वो काफ़ी सकारात्मक रही। आपको बता दें कि लगातार बिहार बीजेपी नीतीश कुमार के विरोधी नेताओं को एनडीए में लाने की कोशिश कर रही है, लगातार उन नेताओं को एनडीए में जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो नीतीश कुमार के मुखर हैं, जो विरोधी कहला रहे हैं, जो लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार के जो साथी थे उपेंद्र कुशवाहा, वो अलग होकर के खुद की पार्टी बना ली और महागठबंधन के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में एनडीए के साथी बनते हैं या नहीं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।